थैंक यू मेरे दोस्त, चलो मिलते हैं, आएंगे भरमौर दोबारा से, ठीक है, मज़ा आया, दोबारा आते हैं मई जून में, प्लान करके रखो, ठीक है, बाय बाय। चलो जी, पेट्रोल में चंबा पे ही आएगा या रस्ते में? अभी कितना है? अभी आधा टैंक है। अरे बहुत है, चंबा में भराना। ठीक है चंबा में भरवाता हूँ। चलो ओके जी, ख्याल रखिए। चलो जी, चलो भरमौर से चलें। आज हमारी राइड शुरू हो रही है, मतलब अगले 4-5 दिन तक अब आपको राइड देखने को मिलेगी, क्योंकि हम जा रहे हैं जी सचपाश करने के लिए, क्योंकि जब हम आए थे तो दूसरे रूट से आए थे, अब आए जा रहे हैं तो दूसरे रूट से आज जा रहे हैं, ये अच्छी बात है। अरे हटो भी रे, सानू जान दे माड़ा जा। सुबह हो रही थी बारिश, खतरनाक वाली बारिश, मतलब हमारे को लगा नहीं था कि आज निकल भी पाएंगे, क्योंकि आए तो थे हम भरमौर सिर्फ मनी महेश करने के लिए, उसके बाद ही 2-3 दिन रुके रहे, क्योंकि जैसे जैसे पता लगा कि भरमौर के आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं, वैसे वैसे एक्सप्लोर करते रहे, और मेरे को लग रहा है अभी बहुत कुछ रह गया है जो कि नेक्स्ट टाइम आएंगे तब एक्सप्लोर किया जाएगा। इसीलिए आज का प्लान है कि आज पहुँचेंगे हम चंबा तक, चंबा के बाद आराम से बैठ के प्लान करेंगे कैसे कैसे रूट पर जाना है, मतलब 4-5 दिन तक लगणगे होने सानू करानू पहुँचन। आई हैगा जी सीन, आपको पता कल हम सोच रहे थे कि बाइक बहुत गंदी हो गई है, और आज सुबह जब बारिश हुई तो बारिश ने वो सारा काम सेट कर दिया, मतलब विंडस्क्रीन हमारी क्लियर है, बाइक चमक रही है, हम खुश हैं, और मौसम भी अब खुल गया है, सुबह सुबह वाला हिसाब किताब नहीं रहा। सुबह देखा ना आपने ड्रोन शॉट में, क्या बादल, ऐसे धुंध वुंध, ऐसा लग रहा था बादलों के बीच में बैठे हैं, और अब जाके थोड़ा सा धूप भी आई है, और अच्छा है कि बारिश रुकी है, धूप आई है, तो ये कीचड़ वीचड़ जो हो जाता है ना, क्योंकि जिस दिन हम आए थे यहाँ पर उस दिन रात हो गई थी, रात को अलग कीचड़ में चलते चलते आए थे, और सड़कें भी नहीं दिखी थी, हमने तब बोला भी था पता नहीं कौन से रास्ते से क्रॉस कर रहे हैं, पर आज समझ में आ रहा है कौन से रास्ते से क्रॉस करके आए थे, ऐसी ऐसी ब्यूटीफुल वादियों के बीच में से, आज मज़ा आएगा ये वादियाँ देखते देखते जाने का। हम कहाँ तक पहुँचे थे यार, अगर मैं देख रहा हूँ तो ये तो सिर्फ हम बाइक चला के गए हैं इस ऐसे कहीं रूट पर, उसके बाद पहाड़ चढ़ना शुरू किया था, सीधा ऊँचे ही ऊँचे चल रहे हैं आप, गड्डियाँ ऊँचियाँ रखियाँ, ऐसा ही चल रहा जी, अब भी जा रहे हैं नीचे की तरफ, क्योंकि उस दिन जब रात को आए थे तो ऐसा देख रहे थे वहाँ तक जाना है, क्योंकि सिर्फ बाइकों की लाइटें दिख रही थी, नीचे नीचे जा रहे तो पता लग रहा है कितना नीचे थे, जो कोई तो गाँव आया जी उस दिन नहीं देख पाए थे। पर यहाँ के ना घर बहुत खूबसूरत हैं यार, और कलर्स है, सब अपने अपने घर में कलर्स बनाते हैं, अलग अलग लेवल के खूबसूरती है। ये आएगा खड़ा मुख, खड़ा मुख है जी 3 किलोमीटर, यानी कि वो जहाँ पर ब्रिज के पास में मेरे को लग रहा है वो खड़ा मुख था, और राइड करने में मज़ा आ रहा है इधर की सड़कों पर, सड़कें बनी भी हुई हैं, आपको दोनों चीज़ का फील दे रही हैं, तो ये एक अच्छी बात है, और लैंडस्केप तो है ही आपके साथ, इतना खूबसूरत जहाँ मौसम आपके अकॉर्डिंग चल रहा है, बाकी कह रहे हैं मई जून में आओ यहाँ पर, मई जून में और अच्छा फील होएगा, मगर ठीक है जी ऑफ सीज़न होएगा, मई जून में दोबारा ट्राई करेंगे एक बार आने की, देखते हैं उस टाइम पे क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं यहाँ का। अभी तो बहुत भीड़ है, मतलब अभी तो अगर आप आओगे तो आपको भरमौर में ही नेटवर्क अच्छे से नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर 20-50 हज़ार लोगों के लिए नेटवर्क छोड़ रखा है, और बंदा पहुँचा है लाख, नेटवर्क क्यों मिलूंगा। आज बारिश हो रही है तो आज मेरे को लग रहा है सब लोग जो जहाँ पर थे वहीं हैं, तो इसलिए नेटवर्क भी मिल रहा था आज तो, और मैंने कहा सारे काम ख़त्म करेंगे आज चंबा पहुंच के, क्योंकि अच्छे से 3-4 दिन से 5 दिन से हमने नेटवर्क को यूज़ ही नहीं किया और कोई काम भी नहीं किया, थोड़ा या काम निपटाना है जी आज पहुंच के, तो वास्ते ऐसी रखे है सिर्फ चंबा तक पहुंचेंगे आज, सिर्फ 2-2.5 घंटे की राइड है, तो ये काम हम वहाँ पर पहुँच के ख़त्म करेंगे। ओ क्या ब्यूटीफुल लग रही है यार ऐसे, यही था जी वो ब्रिज जहाँ पर बैठ के हम ऊपर देख रहे थे रात को, क्योंकि यहाँ तक चला लाए थे, अब देखते हैं अब आज तो बारिश हुई है तब क्या हाल हुआ होगा, नहीं खड्डे दिखाई ने तो सी। गुफाएं हैं यार,
आजा गुफाओं में आ। सोचो हम पूरी गुफा में अकेले घूम रहे हैं, बोल रहे वो पुराने टाइम का राजा महाराजा वाला फील आ रहा है, क्योंकि जब तुम अकेले घूम रहे हो तो तुम्हारे को ऐसा ही लग रहा होता है। अरे ऐसी गुफा वुफा बना के रहा जा सकता है, मतलब टेंशन ही खत्म। चलो भी बाहर से हमारा स्वागत किया जा रहा है, करो स्वागत साडा, फल फल लेके आओ। हट 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 आपकी सिटी पे जानती है ना ये। हट जाओ भाई हट जाओ, हमारी सिटी नहीं पे जानती। अरे बेटा हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ, मैं तू 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 हट जा हट जा हट जा हट जा हट जा हट जा। हाँ भाई हेलो हेलो, ओ पहने हट। थैंक यू जी, रोज मिली है हमारे को, पर ये वैसे दो चार दिन से पांच दिन से जब से मिल रहे हैं तब से हमारे को सिस्टम आ गया इनसे निकलने का। धीरे धीरे या तो उनकी सीटी पे जानती है या फिर आपको धीरे धीरे उनके पेशेंस के साथ उनके हिसाब से निकलना पड़ेगा। आप अपना दिमाग लगा के नहीं निकल सकते। वादियों में एक चाय ब्रेक तो बनता था जी, खूबसूरत जगह है वैसे, मस्त पहाड़ रिवर और ये सब देखने का, और वो ब्रिज जा रहा है ना उसको देखने का भी आनंद था। मैंने कहा यार थोड़ी देर रुक के एक चाय ब्रेक तो लिया जाता है। वैसे काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं कि आप सोलो ट्रिप करते तो आपको ऐसे टेंशन नहीं होती। सच बताऊँगा दो रीज़न है सोलो ट्रिप करने के, जो पता नहीं लोगों को पसंद आएंगे या नहीं आएंगे, पर मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप सोलो ट्रिप कर रहे होते हो और एक दोस्तों के साथ ट्रिप कर रहे हो, तो दोस्तों के साथ ट्रिप कर रहे हो ना, तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम दोस्तों के साथ ही रहते हो, तो आप कुछ नए एक्सप्लोर नहीं करते, नए लोगों से नहीं मिलते, नई कहानियाँ नहीं सुनते, नई एनर्जी अट्रैक्ट नहीं करते। तो एक सोलो ट्रिप में ये होता है। और दूसरा सोलो ट्रिप जो मेरे को बहुत पसंद है वो ये है कि मुझे अपनी कंपनी बहुत पसंद है। और जब आपको अपनी कंपनी बहुत पसंद आने लग जाए ना, तो आपके लिए सब चीज़ें बहुत ही ईजी हो जाती हैं। मतलब नो एक्सपेक्टेशन, ना किसी से नाराज़गी, ना कुछ, सब कुछ ऐसे बहुत ही प्यारा सा लगने लग जाता है। जहाँ आपका दिल करता है ऐसे वादियों में रुकने का, आप रुक जाते हो और अपनी नई मेमोरीज बनाते हो। हाँ एक प्रॉब्लम है कि फिर आप लोग बोलोगे फोटो नहीं होती, रील नहीं होती, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। थोड़े से डिसएडवांटेज हैं पर एडवांटेज बहुत सारे हैं, इसलिए मैं हमेशा सोलो ट्रिप पर निकल जाता हूँ। और ऐसी जगह पर खड़े हो गए चाय पीते पीते, चलो आज आपसे बहुत लेट पूछ लेते हैं जी, कितना हो जी? सारे वधिया, आप बहुत वधिया। सोलो ट्रिप का अलग मजा है, कभी ट्राई करके देखना। डर से जीतना पड़ता है अगर सोलो ट्रिप करनी है तो। थोड़े दिन ऐसे निकलोगे तो बोरिंग भी लगेगा कि यार क्या अकेला बैठा हूँ, कोई है ही नहीं, पर फिर बाद में अच्छा लगने लग जाएगा। देखो ये चाय पीते पीते ना हमारे को यहाँ पर एक इंसान मिले जो करें कि हम आपको कुछ कहानी सुनाना चाहते हैं इस एरिया के बारे में। इधर आओ मेरे दोस्त, आप बताओ पहले तो तुम्हारा नाम बताओ। माई नेम इज रंजीत। ओह वाओ, त्रिलोचन महादेव वाला रंजीत के नाम से मेरा चैनल भी है। अच्छा जी, हाँ तो क्या है यहाँ की कहानी, ये कौन सा एरिया है पहले तो ये बताओ। यहाँ त्रिलोचन महादेव के नाम से जानते हैं ये एरिया। अच्छा, और यहाँ पे मतलब एक त्रिलोचन नाम का एक व्यक्ति था जो कि मनीमेस में अपनी भेड़ बकरियाँ चरा रहा था, और उसी दौरान उनको शिवजी भगवान अपने मतलब इंसान के रूप में आ जाते हैं और उनको लेके अपने डल में चले जाते हैं, झील में लेके चले जाते हैं, कहाँ पर? मनीमहेश में। मनीमहेश में। अच्छा। और उसके बाद 6 महीने तक उनको वहीं पे रखते हैं, वो टेलर का काम भी करते थे। अच्छा। और उसके बाद वहाँ पे उनको चोली वगैरह सिलाते थे उनसे, और उसके बाद उसको उनको 6 महीने बाद याद आई कि भाई मेरा मेरा घर भी है, मेरा बेटे भी है और बहुत कुछ है मेरे घर में। और उसके बाद वो आ गए और उन्होंने वापस आते आते बोले शंकर से बोला कि हमारे को कुछ दे दो, 6 महीने के बाद जा रहे हैं घर को, तो कुछ दे दो। उन्होंने लिया, 6 महीने बाद उनको दे दिया वो जो काट होती है ना कपड़े की, वही डाल दी जोली में। अच्छा। और जा बच्चे बोले, आशीर्वाद दिया उसको और वो आ गया वहाँ से। बोले यार ये क्या दिया भगवान के पास बैठ के भी फायदा क्या, बोला ये दिया क्या मेरे को, बोला ये कपड़ा ही पड़ा, बोले 6 महीने में पल्ले। तो आ गए अपने घर,
आते आते ब्रह्मानी नाम का स्थान है वहाँ, माता ब्रह्मानी की, उन्होंने देखा कि भाई भोले शंकर ने उनको सारा कुछ दे दिया तो कुछ नहीं छोड़ा हमारे लिए, तो वो एक औरत के रूप में गई और उनके पास गई, बोले ये सारा ये क्या लेके जा रहे हो, झोला था ना उनके पास, तो बोले ये क्या लेके जा रहे हो, बोले ये कुछ नहीं वाला काट वाट है कपड़े की, बोले मेरे को दे दो, बोले ये घर में जाके क्या ले जाना वाला, वो उन्होंने रख ली और जो थोड़ी बहुत काट बची थी उसमें वो घर ले गए। और घर में जाके देखा उन्होंने कि मतलब वहाँ पे उनकी यहाँ बोलते हैं हमारे यहाँ छठ छठ बोलते हैं ना, छः महीने बाद उनकी छठ छठ छूट रही थी वहाँ पे। अच्छा। और छठ छूटने छूटते छूटते वो पहुँच गए और एकदम सारे हैरान हो गए कि भाई ये क्या है, ये तो मर चुके थे और ये जिंदा कैसे हो गए। और उसके बाद वहाँ पे उन्होंने खुशी वगैरह मनाई और उसके बाद शाम हो गई, उनकी पत्नी ने पूछा भाई इतने टाइम कहाँ पे थे वैसा वैसा, और जब उनके पीठ पे निशान देखा ना, सोने का निशान लगा था। अच्छा। हाँ जी, सोने का निशान लगा था, जब भी भोले शंकर ने आशीर्वाद दिया था सोने का छप 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 गया था वो। ओके। और उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई मेरा अंत मत ले, अंत लेगी तो बोले ख़त्म हो जाऊँगा मैं। अच्छा। उन्होंने नहीं मानी, बोला नहीं मेरे को बता, बोले तू मर जा पर बता मेरे को। उसने बता दिया कि भाई ऐसा ऐसा था, मैं 6 महीने भगवान के पास था और उन्होंने बोले 6 महीने के बाद घर आ गया मैं, ठीक है, बोला अब तू बैठ और मैं जा रहा हूँ। फिर वो आ गए वहाँ से वापस, नहीं घर से आगे, फिर यहाँ पे एक लाल नाम की जगह है वहाँ पे उन्होंने आके, उनको प्यास लगी और उन्होंने देखा कि भाई पानी नहीं है, फिर वहाँ पे एक बूढ़ी औरत थी, उन्होंने बोला कि भाई पानी देना, बोले पानी तो है नहीं, बोले खड्ड से लेके आना पड़ेगा पानी, और वहाँ पे उनको गुस्सा आया और उन्होंने गजा बोलते ना हमारे यहाँ भोले शंकर की त्रिशूल, उसकी 3 बार मारी और वहाँ पे आज भी पानी उगता है और वहीं से छलांग लगा दी उन्होंने और यहाँ पे आके ये लग गए यहाँ पे। तो वो जो शिव जी बोले ने वो कपड़े का वो दिया था उसमें क्या, उसमें वो सोने की ईंटें बन गई, सोने की ईंटें बन गई। यस सर। वाह, मैंने बोला ना कि बाहर अकेले निकलोगे तो कहानियां सुनने को मिलेगी। थैंक यू, हमारे को ऐसे तो पता नहीं लग रहा था। क्या जगह का नाम है? त्रिकोली, त्रिलोचन महादेव। त्रिलोचन महादेव। तो आइए चाय पीजिए और भाई से भी मिलिए और कहानियां सुन के जाइए, इंजॉय। चलो जी, यहाँ की कहानियां तो सुन ली हमने, अब आगे की कहानियां बनाते हैं खुद जाके। बोला था ना आपको, यहाँ पर हर पहाड़ पत्थर कंकर हर जगह पर सिर्फ कहानियाँ ही कहानियाँ हैं, बस ये है कि वक्त बिताना पड़ता है, लोग मिल जाएं अच्छे जो कहानी सुना देते हैं तो हम सुन लेते हैं, तो पता लग जाता है कि किस एरिए की क्या कहानी है। आप लोगों के एरिए की भी कहानी होगी कोई हिमाचल का हो जहाँ की कहानियाँ हों अच्छी अच्छी, तो हमारे को बिल्कुल कमेंट करना, हम उस एरिया में आएंगे, आपसे कहानियाँ भी सुनेंगे और उस जगह को देख के भी आएंगे जहाँ की कहानियाँ हैं। तो डेफिनेटली अब तो हिमाचल में ही है जी, कहीं की भी कहानियाँ हो सब सुनाना है, कमेंट कर देना अगर कुछ भी कहानी हो आपके पास, डेफिनेटली आते हैं अपने, सब जगह पर आते हैं जी, मिलते हैं, मैं और मेरी बंजारन आएंगे, दोनों जने मिल के जाएंगे आपसे। क्या सही है यार, ब्यूटीफुल लग रहा है, कभी हमारे नदियाँ ऊपर चलती हैं कभी नीचे चलती हैं, बराबर में चल रही हैं हमारे। टिन 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 टिन, चंबा के पास पहुंचने वाले हैं तब वहां से लंगर शुरू हो रखे हैं, लंगर के चक्कर में ही भीड़ हो जाती है और भीड़ हो जाती है तो फिर सड़कों पर लोग आ जाते हैं, पर ये है कि सब चीज़ें बड़ी तरीके से चल रही हैं, कोई भी ऐसा नहीं हो रहा कि कोई वो है, प्रशासन फुल सब जगह पर, जितना भी मैं अभी तक आ रहा हूँ ना, हर रोड पर कॉर्नर पे जहाँ पर लगता है कि स्लीक है कॉर्नर, जहाँ से कुछ भी इंसिडेंट होने के चांसेज हैं वहाँ पर पुलिस वाला कोई ना कोई खड़ा है ताकि सब चीज़ें सेफ्टी से चलती रहे, तो ये एक अच्छी चीज़ लग रही है हमारे को। और हमारी बाइक में ना थोड़ी सी आवाज़ आ रही है, अभी हमने चेक किया तो एक नट ढीला है, तो वो चंबा में जाकर हमारे को ठीक करवाना पड़ेगा, पहले हमारे को लगा था कि ये थोड़ा ढीला है इसको टाइट किया पर उससे नहीं आ रही, तो अभी बड़ा आराम से चलाना पड़ रहा है हमारे को कि रिस्क ना हो जाए, और आगे तो बिल्कुल ही रफ रोड हो जाएंगे, यहाँ पर तक तो फिर भी रोड है, तो ये अभी अपने को चंबा पहुँच के ठीक करवाना है जी, पहला सीन तो आई है। भाई ये वाला नट ढीला हो गया, ये तो हो
जाएगा ना, है ना? वो है नहीं ना अपने, वो दूसरा होता है। मैंने कहा आपके एलकी, हाँ एलकी वाला, कब से कहाँ पर है ये? सर जी ने खजाना निकाला है ये और ये ना। ऐसे को, हाँ इधर को सर जी, और हमने जुगाड़ कर दिया तगड़े से, अब नहीं हिल रहा। मतलब नट अंदर तो नहीं गया है पर लाइट नहीं हिल रही। अब इसके अलावा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ ये समझ में आएगा चलाने के बाद, क्योंकि अचानक भलता सा शोर आ रहा था कब से। अब देखते हैं, इस चक्कर में धीरे धीरे चलानी पड़ रही थी जबकि 15 किलोमीटर रह गया और सड़क इतनी प्यारी है, फिर भी भगा नहीं पा रहे थे। हाँ अब ठीक है, अब शोर नहीं आ रहा जी। इतनी देर से इरीटेट कर रहा था, सोचो वहाँ से निकले हम भरमोर से, तब से डर 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 कर रहे जा रहे करे जा रहे, ये भी कस दिया सब कुछ कर दिया था। अब ठीक है ना, फीलिंग गुड। चंबा रह गया जी 11 किलोमीटर, वेलकम टू चंबा टाउन। वाह सच पास है 141 किलोमीटर, वाह जी वाह क्या गल है जी। आज चंबा रुकेंगे ये डिसाइडेड है। चंबा सहस्राब्दी स्वागत द्वार, स्वागत कर रहे हैं जी चंबा वाले हमारा। थैंक यू जी, थैंक यू इतना स्वागत करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे को अभी समझ में नहीं आ रहा कि इतना बड़ा है चंबा, जैसे ही समझ में आएगा वैसे ही होटल देखा जाएगा कि कहाँ रुकना है। स्वागत तो हो गया हमारा, स्वागत करके हमारे को रुकना कहाँ है वीरे ये दसो। है तो यही जी, जहाँ पर ट्रैफिक जाम हो जाए समझ लो कि शहर आ गया, यही दिख रहा है हमारे को, खूबसूरत सा चंबा। इन्नी बड़ी नाम सुन लिया ना जी चंबा का, आई लव चंबा आ गया देखो सामने। ठीक है यहीं कहीं रुकने का भी होएगा, लग दे जी उपयुक्त कार्यालय डेप्यूटी कमिश्नर ऑफिस। अरे यार पहला देख लिए अगर तुम डायरेक्ट कमिश्नर कमिश्नर नाल मिलाना सानू, ये थोड़ी करीदा होंगे। वो यार कितना बड़ा गार्डन बनाया इन्होंने चंबा सहस्राब्दी द्वार। मार्केट तो वड्डी सारी लग रही है हुण, इस गली में लग रही है। हम गलत घुस गए थे जी चंबा की मार्केट वार्केट में घुसने लग गए थे, फिर अभी हमने पता किया तो सब ने रास्ता समझाया हमारे को, तो ब्रिज ब्रिज आ जाएगा नीचे उतरते चलो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अपने जो है रास्ते में ही लिया जाए ताकि कल सुबह उठ के हमारा सचपास वाला जो राइड है प्रॉपर राइड कल से वो शुरू हो जाए। आज हमारी तैयारियाँ पूरी हो गई हैं, पैकिंग हो गई है, एक डेस्टिनेशन से निकल चुके हैं। उधर कह रहे हैं होटल भी मिल जाएगा, पेट्रोल पंप भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, अगर गड्डी तो आने वाला भी मिल गया तभी नज़ारा आ जाएगा। वाह जी वाह क्या गल है। कसोली निवसना क्या उतर रहे हैं यार, और ये इनका इधर के वालों का रेगुलर काम होएगा। पेट्रोल पंप आ गया जी, पेट्रोल पंप लाओ जी, सर जी कर दो जी टैंक फुल। चलो जी एक काम तो ख़त्म हो गया, बाइक वाला यार दुआने वाला काम भी दिखता पे है इतने भी कर दिए गए, होटल लभागे सीधा शांति नाल बह जावे, किधर निकलना ही नहीं पऊगा। बहुत बढ़िया जी, सर जी बाइक धोने वास्ते ये वाला काम तो मैं कब से सोच रहा था, जब से अपने निकले थे ना मनाली से, तब से मैं सोच रहा था कि बाइक धुल जाए क्योंकि उसके बाद वो भी नहाई हुई होएगी, हम भी नहाए हुए आएंगे, अच्छा लगेगा ऐसी ऐसी जगह पर जा रहे हैं। और मौका कहाँ मिला उसको, चंबा में आ गए, तो अब ये बाइक धुलेगी और फिर बढ़िया जगह पर खड़े हो गए, जड़ी फोटो आनी है ना नज़ारे आ जाने। लो जी साड़ी बंजारन हो गई रेडी, मतलब नहा धो के चका चेक बेबे, क्या सही लगती पी है यार तू, प्यारी हो जावे तेरे नाल तो दोबारा। चल कुड़िए घूम करने फिर। लो जी सारे काम खत्म हो गए, हुण सिर्फ जाना है होटल लभना है, तो कुछ खाना है पहला तो, भुख लगी जाती है जी। क्या सही लग रही है यार नहा धो के, सॉरी बेबे कोई आया नहीं सीगा यार तेन नहाने वास्ते।
भैरागढ़ का रास्ता यही है जी। हमने सोच रहे हैं कि जितना हो सके अगर मिल जाए हमारे को होटल तो ठीक है, नहीं तो हाईवे पे मिलेगा तो अच्छी बात है, ताकि सुबह जल्दी निकला जा सके। ठीक है, हमने तो चलाने हैं जिन्नी को चला दी जाती है, अब तो चलाने भी मज़ा आ रहा है। गड्डी साड़ी नहा नू के रेडी है, सानू भी मज़ा आ रहा है, इनू भी मज़ा आ रहा है, पेट्रोल भी फुल है हूँ तो जाना ही गली बच्चे आप। प्लान में थोड़ा चेंज होना, आई थॉट कि अगर हम भैरागढ़ ही पहुँचा दें, क्योंकि यहाँ से रह गए कुछ 80-82 किलोमीटर और अभी बजे 5, ऐसा कोई टायर्ड भी नहीं हुए हैं, 50 किलोमीटर चला के आए हैं, 80 और चलाना है, नॉर्मल चीज़ हैगी है, नाले रोशनी भी पूरी हैगी, कोई मौसम भी ख़राब नहीं लग रहा है। तो चलो फिर चांस लेने हैं वीरे, भैरागढ़ ही रुक जाए हूँ। एक तरह मेरे साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही है, मेरे को खुद को नहीं पता होता कि मेरा प्लान क्या है, चलते चलते प्लान बनता रहता है। सोलो सोलो है जी ये, इसे बोलते हैं सोलो राइड। फिर कल आराम से चिल करके उठ सकते हैं, वाह दैट्स लाइक अ प्लान। भैरागढ़ 85 किलोमीटर, ठीक है जी। 5 बजे हम देखते हैं कितने बजे तक पहुँचते हैं। क्या वैली है यार कसम से, जब ये खुलती है तो ऐसा लगता है कि एक मिनट रुक जाऊँ, फिर हमारे को लगता है नहीं नहीं वीरे ये जी जगह तो रुकना ठीक नहीं, पर जो राइड करने में मज़ा आ रहा है और ऐसे वैली देखने देखने में, वैली हो गए वीरे ऐसी तो, जट वैली जट वैली हो गया नारानी तेरे करके तेरे करके। यहाँ पर आपको बकरियाँ नहीं मिलेंगी, अब ये वाले रास्ते मिलती है भेड़े नहीं भैंसे हैं भाई साहब। इन्होंने जो ठुमका मारना है ना बंदे ने गिर जाना है, बकरियों पे तो हम अपना जोर आजमाइश कर रहे थे, पी पी पू पू कर रहे थे, इन पे क्या करेंगे, इन्होंने चक के मारना थल्ले, ना बंदा रहना है ना बंदे की जात, समझ रहे चुपचाप खड़े रहो। और कब से निकल रही है, और 40 मिनट में हमने क्रॉस किए सिर्फ 20 किलोमीटर, अभी भी 62 किलोमीटर बाकी रह गया है। तो देखते हैं जी किन्नी को रोशनी बच्चे बचेगा तो किन्ना को नेरे बच्चे कटना पूगा। राइड करते करते हम पहुंच गए जी टीसा, TISSA, मतलब पहले हम रुकने लगे थे चिली में, फिर वहाँ पर एक आर्मी वाले मिले, उन्होंने बोला कि आप आधा घंटा और राइड करो टीसा में पहुंच जाओगे ताकि कल आपको इजी पड़ जाए। तो मैंने कहा बात तो सही है, आगे तक हमने सोचा कि नहीं जाते क्योंकि ये जो वैली हमारे को बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी वो दिखनी बंद होगी, और मैं नहीं चाहता कि अंधेरा याद रहे कि कैसी वैली क्रॉस की, क्योंकि सच पास करने जा रहे हैं, हर एक वैली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम कोशिश करेंगे कि दिन दिन में पहुंचा जाए जहां पर भी पहुंचा जाए, तो आपको रूम दिखा दिया जाए हमारा जी मस्त करके। वो आर्मी वालों का थैंक यू, उन्होंने हमारे को बताया मस्त रूम में पहुँच गए, 7 घोड़े भाग रहे हैं, घोड़ों की तरह हम भी भाग रहे हैं, और यहाँ पर पंखा चला है बहुत दिन के बाद, तो ये एक अच्छी बात है, और इंटरनेट है, सब फैसिलिटी है, आराम से सो सकते हैं, सुबह उठ के जा सकते हैं, डायरेक्ट यही रोड कनेक्ट रहेगी, तो ये एक अच्छी बात है। अब थोड़ा सा विश्राम कर लिया जाए, उसके बाद खाना खाएंगे, फिर आपसे बात करते हैं कि कैसा फील हुआ आज। सो सोरे जी, मतलब हम खाना वाना खा के ऐसे सोने जा रहे थे, फिर मेरे को याद आया कि आपसे तो बात ही नहीं की आज, ब्लॉग का एंड ही नहीं किया। तो ठीक है जी, हम तुझे आपका ख्याल रखो, 80 का ख्याल रखेंगे, चंगा फिर, रब रखा जी। बहुत ही भूख लगी थी, खाना खाते खाते भूल गए, और फिर सारा डेटा सेग्रीगेट करना और ये सब करना और बैटरी को चार्जिंग में लगाने में सब चीज़ों में भूल गए। ठीक है जी, रब रखा, कल सर पास सर नो पास कराम के।